बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देखें मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, मौलाना तारिक जमील का एक बार फिर दारुल उलूम दियोबंद कराची में जो है इस्तकबाल किया गया भरपूर। मौलाना तारिक जमील का भरपूर जज्बे के साथ तुलबा इकराम ने और असाज़ा इकराम ने उनका इस्तकबाल किया। मौलाना तारिक जमील जैसी हस्ती दारुल उलूम दियोबंद कराची के अंदर आई और उन्होंने अपने कीमती अल्फाज, अपने कीमती बयान जो है वो तुलबा तक पहुँचाए। नाज़रीन, मौलाना तारिक जमील ऐसी हस्ती हैं जो हमेशा इखलाक का दर्स देती हैं और हमेशा तोड़ने वालों से जोड़ने का दर्स देती हैं। बहुत से लोगों का इनसे सियासी इख्तलाफात होंगे, लेकिन मजहबी तौर पर मौलाना तारिक जमील साहब की जो कदर हमारे दिलों में है वो हमेशा रहेगी और हमारी दुआएं हमेशा तारिक जमील के साथ, मौलाना साहब के साथ रहेंगी। अल्लाह पाक उनका जो साया है उम्मत मुस्लिमा के सरों पर लाजमी से जो है वो रखे और इनकी उम्र जो ज़िंदगी की उम्र है वो लंबी करे और हमें जो इस जहालत के दौर में हम न जाने किस बुराइयों में होते, जो मौलाना तारिक जमील साहब की वजह से हम बहुत से गुनाहों से बच जाते हैं और इनके बयानात और इनके अखलाक से हम इतना मुतासिर होते हैं। तो नाज़रीन, आप सब भी मौलाना साहब के लिए दुआ कीजिएगा और अल्लाह पाक इनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मौलाना साहब के लिए लंबी उम्र की दुआ लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।